बोलिए भारत माता की। जरा ऊपर से भी आवाज आनी चाहिए। आज हमारे बीच इस प्रदेश के जो यशस्वी संवेदनशील और जिनके बारे में मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर लोग जानते हैं, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए दिन रात एक करके काम करते हो, हमारे बीच में उपस्थित हैं और इतने लोग आज इस परिवार में आ रहे हैं, तो जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस सदस्यता ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे एसओसी लोकप्रिय हम सब के नेता संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, और जिन्होंने इस मध्य प्रदेश में नहीं, ये देश का इतिहास है, दुरावस्था के खिलाफ कोई आज के समय में कोई नेतृत्व तो राजनेता सड़कों पर आ जाए ये आसान नहीं है। जिसके मन के अंदर दर्द होगा, जिसके मन के अंदर पीड़ा होगी, जिसके अंदर उस गरीब जनता के लिए संवेदनशीलता होगी, वही व्यक्ति पदों को छोड़कर, वही व्यक्ति इतने बड़े स्थान पर रहने के बाद ये कह दे कि मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा। तो ऐसे हमारे यशस्वी राज्यसभा के सांसद हम सबके नेता तो नवनिर्वाचित हमारे सांसद आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश की छात्र राजनीति युवा राजनीति के अंदर जिन्होंने कई कदम इस मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार से खड़े किए, ऐसे हमारे वर्तमान में मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, छात्र राजनीति की देन हमारे इंदौर के युवा नेता कहे जाने वाले तुलसी भैया, आज भी युवा ही लगते हैं, इसलिए हमारे ऐसे तुलसी सिलावट जी। और आज हम लोग जब परिचय ले रहे थे तब बड़ा परिचय में हमारे नए आज जिन्होंने शपथ ली है, ऐसे मैं तो उनको हरपन वाला खिलाड़ी कहता हूं, हमारे हरदीप डंग जी जो हमारे सुवासरा से विधायक थे, जिन्होंने सबसे पहले आदरणीय शिवराज सिंह जी को कह दिया था कि जो हो अब हो, अब तो मैं केवल भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा, चाहे कुछ हो या न हो, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर के नहीं जाऊंगा। और पहले दिन से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के महाराज जी के साथ सब लोगों ने मिलकर के जो काम किया, ऐसे हमारे हरदीप सिंह डंग इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित। आदरणीय मोघे जी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे संगठन महामंत्री रहे हैं, इस सभागार में हमारे कुसुमरिया जी भी उपस्थित हैं, मुझे भी खूब मार्गदर्शन उनका मिला है, हमारे मंत्री रहे मध्य प्रदेश के अंदर। और आज इस अवसर पर ऐसे कई वरिष्ठ लोग यहां पर हैं जो पूर्व विधायक भी हैं, कई हमारे राजेंद्र जी से मेरा बड़ा पुराना परिचय, मैं जब उज्जैन के अंदर भारत विद्यार्थी परिषद का काम करता तब से मेरा मिलना जुलना रहा है, ऐसे हमारे कई वरिष्ठ लोग यहां पर हैं, ऐसे सभी वरिष्ठ हमारे पदाधिकारीगण पूरे मध्य प्रदेश से आज आदरणीय सिंधिया जी के नेतृत्व में, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, जो पूरे लोग आज भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, मैं आप सबका बहुत भारतीय जनता पार्टी परिवार में हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये जो समय है, आप सबने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मित्रों, मध्य प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियां बनी, अगर हम मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के 15 वर्षों के कार्यकाल को जब देखते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और काम के बल पर मध्य प्रदेश के अंदर गरीबों से लेकर के हर समाज वर्ग की चिंता करने का काम, मुझे लगता है कि भारत के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री पहला मुख्यमंत्री होगा कि जिसने कहा कि मोची जो काम करते हैं वो मोची भी सीएम हाउस के अंदर आएंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री बैठ करके खाना खाएंगे, ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री जिन्होंने मध्य प्रदेश के किसी भी वर्ग को मुझे लगता नहीं छोड़ा होगा। रेडी ठेला चलाने वाले उनको भी बुला लिया, गले लगा लिया, आओ
और आकर के आप अपनी बात कहो और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। इस प्रकार के संवेदनशीलता के साथ कम के काम करने वाला व्यक्तित्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया, और उन 15 वर्षों के अंदर मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना। हम में से बहुत लोग किसान होंगे, कृषि कर्मण अवार्ड पांचवी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड किस लिए जीता? क्योंकि मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से किसानों को सुविधाएं उपलब्ध करा दी और उन किसानों अपनी मेहनत के बल पर इस मध्य प्रदेश के अंदर इतना उत्पादन किया कि संपूर्ण देश के अंदर कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश 1 नंबर पर 1 वर्ष नहीं लगातार 5 वर्षों तक रहा। तो दूसरी ओर ऐसे लोग आ गए जिन्होंने किसानों को प्रलोभन की बात कह दी, झूठ बोल दिया, छल कर दिया, कपट कर दिया और कह दिया कि हम तुम्हारा कर्जा माफ करेंगे, और कर्जा माफ के चक्कर में ही झूठ। हमारे गिरीश भाई बैठे यहां पर, कृष्णा घाड़के बैठे हमारे युवा नेता, ये लोग जानते हैं कि नौजवानों से कैसे छल किया है। नौजवानों से कह दिया तुमको हम 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, और बेरोजगारी भत्ता, किसानों के कर्जे माफ, ऐसे बातें करके, झूठ बोल करके कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने चक्रव्यूह रच के मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान को वोट तो सर्वाधिक मिले, सर्वाधिक ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मिले, लेकिन गलती से 2-3 सीटों के कारण से एक उद्योगपति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी जमीन नहीं देखी, जिसने कभी गांव नहीं देखा, जिसने कभी गरीब नहीं देखा, जिसने कभी मध्य प्रदेश के किसी कोने में छिंदवाड़ा को छोड़ करके बोली गए। और आदरणीय ज्योतिरादित्य जी जानते हैं, यहां पर बैठे हमारे मंत्री लोग जानते हैं, हमारे विधायक जानते हैं, जो उनके साथ काम कर रहे थे वो केवल वल्लभ भवन के अंदर बैठ करके काम करते थे और कहते थे कि यहीं से सबको चलाया, मेरा तो क्षेत्र छिंदवाड़ा है, मुझे मध्य प्रदेश से क्या लेना देना। मध्य प्रदेश तो उन्होंने सौगात में दे रखा था दिग्विजय सिंह को, जिसने पूरे मध्य प्रदेश का बंटाठार किया था 10 वर्षों के अंदर, और जिसका जवाब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने दिया था। मित्रों, मैं आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे राज्यसभा के सम्मानी सांसद हैं, आज वो मंच पर बैठे, इसलिए मैं उनके सामने नहीं कह रहा हूं इस बात को। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के मन के अंदर जो बातें, जो शिवराज सिंह चौहान के मन के अंदर बातें थी, गरीबों के लिए दर्द, किसानों के लिए पीड़ा, नौजवानों के लिए उनके मन के अंदर भाव, माताओं बहनों के लिए जिस प्रकार के मन के भाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेतृत्व के थे, चाहे केंद्र के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या शिवराज सिंह चौहान हो, उन सारे भावों के आधार पर काम करने वाला जो नेतृत्व था, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी कह दिया कि मध्य प्रदेश की जो दुरावस्था हो रही है, मध्य प्रदेश गर्त में डूब रहा है, मध्य प्रदेश में आकंठ भ्रष्टाचार में सरकार डूब गई है, ये सरकार केवल रेत और शराब तक सीमित हो गई है, ये दुरावस्था मध्य प्रदेश के अंदर स्वीकार नहीं होगी। और आज मुझे कहने में गर्व है कि ऐसे संवेदनशील नेतृत्व में वही काम कर पाता है। उधर आपने चित्र देखा होगा अम्मा महाराज का, अभी आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब उन पर पुष्पार्पण कर रहे थे, तब मेरे मन के अंदर बहुत खुशी इस बात की हो रही थी कि जो बीज राष्ट्रवाद का, जो बीज देशभक्ति का राजमाता जी के नेतृत्व में आदरणीय ज्योतिरादित्य जी ने बचपन के समय में सीखा होगा या उसको बीज उसमें पड़ा होगा, वो आज बीज प्रस्फुटित होकर के भारतीय जनता पार्टी में एक नेता के तौर पर हमारे बीच में है, और वही मन के भाव मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास दोहराया गया। राजमाता जी ने भी मध्य प्रदेश की दुरावस्था को, जब गोविंद नारायण सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे, जब उस समय तख्ता पलट होकर के ऐसी दुरावस्थावादी सरकार को रवाना कर दिया था, फिर मध्य प्रदेश के अंदर माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कह दिया था कि मैं सड़कों पर उतर करके या तो दुरावस्था ठीक करो, नहीं तो सड़कों पर उतर जाऊंगा। लेकिन घमंड देखो किस प्रकार का गुरूर है। कमलनाथ जी ने कह दिया कि अगर आपको सड़कों पर उतरना है तो उतर जाओ, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि सड़कों पर तो उतर ही जाएंगे, और वो सड़कों पर क्या उतरे, उनकी सरकार ही सड़कों पर आ गई और आज हम इस रूप में बैठे हैं। तो इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए उन्होंने जो निर्णय किया वो अपने लिए नहीं किया है, उन्होंने निर्णय इसके लिए निकाला गोविंद सिंह जी मंत्री बनेंगे, तुलसी सिलावट मंत्री बनेंगे, या हमारे कार्यकर्ता जाकर के वैभवशाली संपन्न बनकर के खड़े होंगे। उन्होंने इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए निर्णय किया, उन्होंने इस गरीब जनता को बचाने के लिए निर्णय किया। इसलिए मित्रों, मैं आज यहां पर जो जनसमुदाय, हमारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं, आप सबको इस बात को ताकत से कहने की जरूरत है
कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से लेकर जो हमारे मंत्री विधायक जिन्होंने इस्तीफे देकर आए, मुझे बताइए कोई सरपंची भी छोड़ता है क्या आज के समय में? कोई पंची छोड़ता है? वो कहता है पता नहीं क्या होगा, लेकिन उनके मन के अंदर पीड़ा थी और नेता पर विश्वास था। और हमारे दोनों नेताओं का कोऑर्डिनेशन था कि भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के सम्मान के साथ मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। तो मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीबों के हितों की रक्षा के लिए जो एक परिवर्तन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, आज उसके माध्यम से हम सब कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इसी मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर ले जाने का प्रयास हम सब लोग मिलकर के करने की आवश्यकता हम सब लोगों को है। तो आज एक संकल्प हमको लेना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के इस नेतृत्व के समक्ष हम सब लोगों को एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। हमको तय करना पड़ेगा कि जो 24 विधानसभा के उपचुनाव हैं ये मध्य प्रदेश की दिशा तय करेंगे, ये मध्य प्रदेश की आगे की रणनीति तय करेंगे, ये मध्य प्रदेश के विकास के जो मायने क्या हैं, ये हमारे जो चुनाव उपचुनाव हमारे 24 होने वाले हैं, इस उपचुनाव के अंदर हम सब कार्यकर्ताओं को दिन रात एक करके, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंधिया जी, हमारे सभी मंत्रीगण, सभी नेतृत्व हमारा जिस गति के साथ आज इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर काम करने का जो प्रयास कर रहा है, यहां पर बैठे हुए एक एक कार्यकर्ता को तय करना पड़ेगा कि चाहे कोई भी हमारी सीटें हों, इन 2400 सीटों पर इस दुरावस्थावादी और झूठ बोलने वाले, देखो भैया क्या होता है, सत्य बोलते हैं उनसे लड़ाई ज्यादा नहीं लड़नी पड़ती, लेकिन जो झूठ बोलते हैं तो वो झूठ पर झूठ बोलते हैं। अब दिग्विजय सिंह से आप कहां से लड़ोगे, वो दिन भर झूठ बोलते हैं। अब आजकल कमलनाथ जी भी सीख गए, उनसे पहले ऐसे नहीं थे लेकिन वो सीख गए अब कि झूठ बोलो कैसे झूठ बोलना है। तो इन झूठ बोलने वाले लोगों से लड़ने के लिए हमको ताकत के साथ सत्य पर जाना पड़ेगा, और इसका संकल्प आज हम यहां से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके जा रहे हैं। अपने अपने क्षेत्रों के अंदर हम आज ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे कि जो होने वाले 2400 उपचुनाव विधानसभा के हैं, हम प्रचंड बहुमत से जीत करके आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम विजय पताका फहरा करके कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बताएंगे कि तुमको किस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो छल किया था उसका जवाब हम सब लोग मिलकर के देंगे। मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि संकल्प के साथ हम आगे बढ़े और एक बार हाथ उठा करके भारत माता की जय का नारा लगा करके हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यहां पर समाप्त करूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपकी संकल्प शक्ति के